गाजियाबाद में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने मेयर प्रत्याशी संगीता दयाल और सभी पार्षदों के लिए 11 मई को होने वाले चुनाव के लिए लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र में पिछले 9 वर्ष और प्रदेश में पिछले 6 वर्ष से भाजपा की सरकारें हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से देश मजबूत हुआ है। पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री को संकट मोचक की तरह देखता है। उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। बसपा और सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें तमंचावादी थीं, लेकिन अब प्रदेश में एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। मेरठ से गाजियाबाद ट्रंकलेन का हाईवे तो तैयार हो चुका है, वह कब तक प्रारंभ भी हो चुका है। अब अगले महीने रैपिड रेल को भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। रैपिड रेल इस दूरी को और कम कर देगा। जिस दूरी को तय करने में 4 घंटे लगते थे, अब मात्र 40 से 45 मिनट की दूरी में इस दूरी को तय किया जा सकता है।